रेल में सीट मिलती ना इनकी सगाई होती, आप तो कुछ करो इनका दे। चलो एनीवे, हम बात को इसलिए आगे बढ़ा रहे थे कि मैं जिस कवि को बुला रहा हूं, इन्होंने जीवन में एक रास्ता अपनाया और बहुत बड़ी बात होती है जब आप किसी कमिटमेंट पर खड़े उतरते हैं। उन्होंने ताउम्र एक व्रत लिया कि मैं इस साहित्य की सेवा राष्ट्र को अर्पित करते हुए, मैं उनके घर जब जाता हूं तो उनकी दिनचर्या, उनका घर देखता हूं तो बहुत ताज्जुब होता है। हर तरफ देशभक्ति की, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, शहीद भगत सिंह की जीवनी, मैंने तो उनसे सीखा और चार पंक्तियां लिखकर उनको मैं इसलिए बुला रहा हूं कि आज इस दैनिक जागरण का ये मंच है और हम राष्ट्र की आराधना से, देशभक्ति के पावन पुष्पों से इसका शुरू करें। उसके बाद हंसेंगे, बोलेंगे, सब करेंगे। जब भगत सिंह की माँ फांसी के बाद उनसे मिलने गई तो भगत सिंह ने जो कहा, मैं इस पावन चार पंक्तियों से आज का कवि सम्मेलन शुरू करना चाहता हूं कि भगत सिंह ने कहा होगा कि सुन ले ध्यान त बात मेरी, हे जननी हे मात मेरी, मेरी मौत पे नीर बहाइए ना, लाश लेन भाई ने घाल दिए तो आइए ना। माँ ने पूछा होगा क्यों, तो भगत ने कहा होगा कि मेरी लाश देख के जे तू अपना धीरज खो पड़ी, रे सारी दुनिया के कहेगी भगत की मारो पड़ी। ऐसे ही आराधक को बुलाता हूं, आवाज देता हूं गजेंद्र सोलंकी को, आपकी तालियां उठें और आइए राष्ट्रभक्ति में लीन हो जाते। जोरदार तालियों के बीच बुलाएं गजेंद्र सोलंकी। धन्यवाद राठी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हाँ, मतलब आदमी कितना भी कहीं भी विकास कर ले, सभ्यता कहीं भी पहुंच जाए, पर करोड़ों साल पुरानी पूर्वजों की आदत जाती नहीं है। एक बार करके बताओ फिर जरा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, दैनिक जागरण का एक कार्यक्रम है। और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मंच पर बहुत ही वरिष्ठ कवि हमारे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी विराजमान हैं, भाई प्रताप फौजदार विराजमान हैं, सभी बड़े शायर शायरा विराजमान हैं। यहाँ पर सभी विशेष लोग, अति विशिष्ट लोग आ रहे हैं, डॉक्टर पुनिया साहब, हमारे जैन साहब राजेश जैन जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दैनिक जागरण कोई केवल समाचार पत्र नहीं है। जो लोग जानते होंगे इसके इतिहास के बारे में, तो यहाँ दो चित्र लगे हुए हैं, पूर्णचंद्र गुप्त जी का और नरेंद्र मोहन जी का। ये दोनों ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य और सामाजिक चेतना को नए आयाम दिए हैं। मैं चाहता हूं दैनिक जागरण के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से आज जो स्तर है समाचार पत्रों का वो क्या है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में कोई साहित्य के यज्ञ, सांस्कृतिक यज्ञ कराने वाले जो लोग हैं उनका अभिनंदन होना चाहिए, वंदन होना चाहिए। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूं, मन से सुनिएगा। जो यहाँ खड़े हुए हैं भैया, आप भी कहीं स्थान ग्रहण कर लो या बैठ जाओ, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने से टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये जानते हैं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती हैं कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाए हैं। भाई साहब और एक आध चक्कर लगाना है क्या? आए हैं। अच्छा, आए हैं। चलो, देर से आने जाने की जो भारतीय परंपरा का आपने निर्वाह किया है उसके लिए आपका स्वागत, अभिनंदन है। कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाए हैं, मोहब्बत का खजाना हम तुम्हारे नाम लाए हैं, और रगों में रक्त भारत का यहाँ सबके ही बहता है, सुनाने हम सभी को देश का पैगाम लाए हैं, सुनाने हम सभी को देश का पैगाम लाए हैं, वो पैगाम आपके दिलों तक पहुँचे। भाई जगवीर राठी मंच का संचालन कर रहे हैं, और ये सामान्य रूप से परंपरा होती है दोस्तों, जिनसे अपने घर का संचालन नहीं होता उनको हम मंच का संचालन देते हैं। एक बार 2000 तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं गजेंद्र भाई जब तक घर नहीं जाता हूँ घरवाली खाना नहीं खाती है। मैंने कहा जगवीर भाई बहुत सौभाग्यशाली हैं, आजकल ऐसी पत्नियां नहीं मिलती हैं। बोले ये बात नहीं, घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। तो एक बार तालियां होनी चाहिए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जगवीर भाई जो हरियाणवी के एक बहुत बड़े लोक कलाकार के साथ पूरे अमेरिका, कनाडा, यूके में एक बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं, अभी 15 दिन की यूके यात्रा से लौटे हैं, मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार अपने भाई के लिए, अपने लाडले के लिए, अपने गुरु के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। जी भैया,
कहना चाहता हूँ, कुछ पंक्तियों से बात शुरू करना चाहता हूँ। बहुत सारे विषय हैं यहाँ। बादशाह मेरे बारे में बता रहे थे कि मैंने देश को समर्पित किया है। मैं तो शादीशुदा लोगों की स्थिति देख देख के परेशान होता हूँ, इसलिए शादी नहीं की। सच बताऊँ ज़्यादा अच्छी नहीं होती शादीशुदा लोगों की स्थिति। वो एक बाबा कृपा बरसाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं आप समझ जाएंगे निर्मल बाबा की बात कर रहा हूँ। आजकल बाबाओं की स्थिति बड़ी स्थिति ऐसी है, और मैं कहना चाहता हूँ जो ताली नहीं बजाएंगे मैं समझ जाऊँगा राम रहीम जी के चेले। देखो सीधी सीधी सी बात है, या तो राम रहीम जी के चेले या फिर नोटबंदी से परेशान है। इसलिए एक बार सदन पूरा हाथ उठा के ताली बजा के आदेशित करें, हम कार्यक्रम को आरंभ करना चाहते हैं। आप नहीं मानोगे भाई, मैं समझ गया। तो कहना चाहता हूं, मैं पहुंच गया था बाबा के दरबार में कि बाबा बड़ा परेशान हूं। बोले क्या हुआ बच्चा, किससे परेशान हूं? बोले घरवाली से परेशान हूं। बोले कितने साल शादी को हो गए? बोले 10 साल हो गए। बोले 10 साल में नहीं बनी? बोले बाबा रोज लड़ती है, मैं तो हर बात मानता हूं। तो बाबा ने पूछा अच्छा तुझे खाना ना बना के खिलाती है? बोले खिलाती, तूने आज तक प्रशंसा की? बोबा आज तक नहीं की। बोले बेवकूफ कहां से कृपा आई, कल से प्रशंसा करनी शुरू कर, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अगले दिन तैयार होकर बैठ गया 9 बजे के, जल्दी से खाना लेके मुझे ऑफिस जाना है जल्दी। तो भाग दौड़ करके 2-3 पराठे लाए, सामने ला के रख दिए। पहले पहला टुकड़ा तोड़ते ही निर्मल बाबा याद आ गए। बोले तूने कमाल के पराठे बनाए, ऐसे पराठे तो जिंदगी में नहीं खाए, माँ के खाने का स्वाद भुला दिया। मन करता है जिन हाथों से पराठे बने उनको चूम लूं, इतना सुनते ही बिगड़ गई एक मारा खींच के कि 10 साल से पका के खिला रही हूं, आज तक स्वाद नहीं आया, आज 2 पराठे पड़ोसन से क्या ले आई। तो कृपा गलत डायरेक्शन में जा सकती है। ये ऊपर वाले जो कम ताली बजा रहे हैं, आप भगवान के ज्यादा नजदीक हैं, जरा बताते रहिएगा कि हाँ, और कुछ ना कुछ पकड़ के बैठिएगा, अपना आराम से नीचे मत आ जाना कहीं होश में जी भैया। हाँ चलिएगा, बहुत आनंद के साथ अब कवि सम्मेलन सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं, मौजूद हैं, और फोटोग्राफरों का मैं अभिनंदन करता हूँ। एंगल बदल बदल के खींच रहे हैं, इनको प्रणाम करता हूँ। हाँ नहीं, हंसने की बात नहीं, किसी को भी निपटा सकते हैं फोटोग्राफर। पहुँच गया था कोई फोटोग्राफर की दुकान पर कि भाई साहब पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींचो जिसमें जूते भी आ जाए, सर भी आ जाए। तो फोटोग्राफर रोहतक का रहा होगा, बोले भाई साहब जूते निकाल के सर पर रखो, दोनों ही आ जाएंगे। हाँ भाई साहब चल दिए आप? नहीं आया। अच्छा अच्छा बैठे हो। आपको तो विशेष प्रणाम करता हूँ, आपका ललाट जो चमक रहा है। नहीं नहीं हंसने की बात नहीं है, ऐसे बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके मतलब भाभी का प्यार लेके साथ में चलते हैं। हंसने की बात नहीं, किसी पुरुष के सर पे 2 ही महिलाएं हाथ फिराते हैं, एक माँ एक पत्नी। जब माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। और 2-4 तो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे पूरे मोहल्ले ने हाथ घुमा रखो। बहुत मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। जौहर कानपुरी जी हमारे बीच नहीं रहे, मतलब उठ के चले गए हैं, आप आइएगा सर। आ रहे, आ रहे। चलिएगा, बहुत मस्ती के साथ सुन रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा के इतने बड़े केंद्र में, वैश्विक स्तर का जो केंद्र है, एमडी यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के ये सभागार, रविंद्र सभागार में एक कार्यक्रम हो रहा है। चारों तरफ महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं, और हमारे दिल में हिंदुस्तान जो धड़कता है, उस हिंदुस्तान की धड़कन को अपनी कविताओं से आवाज देना चाहता हूं। और कहना चाहता हूं कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे, कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। तो रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, बात अच्छी लगे तो आपके हाथ लहराने चाहिए, कि रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नहीं खुले, कोई बात नहीं, अगले उस पे देखते हैं। कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, कि जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, फिर समर्थन कीजिएगा, जेनेटिक्स की बात करता हूं। ये कहीं आप जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और ये भारत, कहीं नेपाल, ये बांग्लादेश वगैरह, अगर जो अतीत में मुड़कर देखेंगे
तो सब कुछ एक नजर आता है, जहां हमारे पूर्वजों का एक छत्र सांस्कृतिक और धार्मिक साम्राज्य था, कहीं कैस्पियन सागर से लेके कहीं चबहत्तर भारत तक। तब कहना चाहता हूं कोई संबंध जो होते हैं उसके किस प्रकार से होते हैं, भौगोलिक सीमाएं बटी तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तब कहना चाहता हूं कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। यह हरियाणा की धरती है, बलिदानों की धरती है, कहीं पौरुष पराक्रमियों की धरती है। सर्वाधिक मेडल कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते जाते हैं तो हरियाणा का गौरव बढ़ाने वाले उन खिलाड़ियों के द्वारा जिन्होंने भारत का गौरव भी बढ़ाया। तब कहना चाहता हूं कि भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को। तो दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी, आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को, आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को, आजादी। और मैं आजादी के दीवानों को याद करूं उससे पहले मेरा मन है, कभी पिछले माह हिंदी दिवस हमने मनाया, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह। कोई भी भाषा जो होती है वो संस्कृति सभ्यता की संरक्षक और वाहक होती है। जिन देशों की या जिन सभ्यताओं की संस्कृतियों की भाषा खो जाती है वो सभ्यता संस्कृतियां भी नष्ट हो जाती हैं। कहीं संस्कृत का पराभव हुआ, पराभव ही कहूंगा क्योंकि अतीत के पन्नों में खोती चली गई, उसके बाद हमारे प्राकृत पाली का प्रभाव बढ़ा, उसके बाद कहीं हिंदी उर्दू का प्रभाव बढ़ा। आज भारत में राजभाषा हिंदी को हम अपनी मातृभाषा के रूप में देखते मानते हैं। तो पिछले माह जो हमने मनाया, मैं चाहता हूं पूरे वर्ष भर हिंदी होनी चाहिए। रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी, रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी, सनातन प्रेम संस्कारों का एक वरदान है हिंदी। और बही जो विश्व के आंगन में ये हिंदी की पुरबाई, लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी, लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी। एक हिंदी वंदना सुनाना चाहता हूं पहले और आपका मन चाहता हूं कि अमर रहे वैभव तेरा हिंदी मातु महान, करेंगे हर एक सांस पर तेरा ही यशगान, तेरा गौरव गान। ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा, जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। तंबाकू सा मत कूटो, ताली बजानी तो बजाओ, नहीं तो देखिए सुनिएगा कि हिंदी जन जन के अंतर में प्रेम सुधा बरसाती है, हिंदी जन जन के अंतर में प्रेम सुधा बरसाती है, नूतन नवलिए ज्योति ज्ञान की जीवन धन्य बनाती है, गहन तिमिर मन के हरने को आशा दीप जलाती है, चेतन और अचेतन वासी ईश्वर दरस कराती है। तो हिंदी दुर्गा हिंदी काली सरस्वती कल्याणी है, हिंदी ब्रह्मा विष्णु शिव की महाशक्ति छत्राणी है, हिंदी लक्ष्मी पार्वती हिंदी कमला कल्याणी है, शब्द ब्रह्म की अनुपम पुत्री और अनूठी वाणी है जी, शब्द ब्रह्म की अनुपम पुत्री और अनूठी वाणी है। तो हिंदी पावन गंगा गोता सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, तो हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। भाषाओं की नदियां मिलती हिंदी ऐसा सागर है, अगर पूरे देश में देखेंगे या दुनिया में जाएंगे तो भारत की पहचान है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी जाके कहीं विदेशों में हिंदी में भाषण देते हैं या कि फिल्म के सितारे अपनी फिल्म हिट करते हैं, पश्चिम दक्षिण की फिल्में भी हिंदी में डब करके दिखाई जाती हैं, या कहीं आप समाचार चैनलों को देखते होंगे, हिंदी के समाचार चैनलों के माध्यम से वो अपना टीआरपी ऊपर बढ़ाते हैं। हिंदी की शक्ति कम नहीं है। केवल क्या है, आप दैनिक जागरण की अगर बात कहें तो मैं समझता हूं दुनिया में सर्वाधिक पढ़े जाने वाला अखबार कोई होता है हिंदी का अखबार होता है, जिसका नाम दैनिक जागरण है। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार इस बात के लिए बधाई दीजिएगा। तब कहना चाहता हूं कि भारत
हिंदी संस्कृत की बेटी, ये भाषाओं की नदियां मिलती, हिंदी ऐसा सागर है, छलक रही अमृत घट समझो, हिंदी ऐसी गागर है। भाषाओं की नदियां मिलती, हिंदी ऐसी गागर है, हिंदी ऐसा सागर है, छलक रही अमृत घट समझो, हिंदी ऐसी गागर है। भारत की रग रग में बहता हिंदी प्रेम सुधाकर है, गली गांव और नगर नगर में हिंदी ज्ञान प्रभाकर है। हिंदी संस्कृत की बेटी, ये नित नित नई नवेली, ध्यान से सुनिएगा जो कहना चाहता हूं, कि हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है, गुजराती कन्नड़ कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल मराठी बंगला उर्दू पंजाबी अलबेली है, तमिल मराठी बंगला उर्दू पंजाबी अलबेली है। हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। तो हिंदी माँ की ममता छैया ना बिसराओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। अंग्रेजो तुम भारत छोड़ो बापू ने उच्चारा था, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो बापू ने उच्चारा था, खून के बदले आजादी है नेताजी का नारा था, आजादी का हर परवाना हिंदी में हुंकारा था, जय जवान और जय किसान भी हिंदी का ही नारा था। हिंदी ही तो आजादी के संघर्षों की शक्ति रही, अशफाक उल्ला और बिस्मिल के स्वाभिमान की शक्ति रही, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और शेखर की भक्ति रही, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और शेखर की भक्ति रही। हिंदी ही तो क्रांति की भाषा और पौरुष अभिव्यक्ति रही, हिंदी ही तो क्रांति की भाषा और पौरुष अभिव्यक्ति रही। तो विजय पताका हिंदी की जग पे फहराओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। और जिनको हम अपने कोर्सेज में पढ़ते रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नाम आपके सामने लेता हूं, जो हिंदी के विद्यार्थी होंगे वो तो जानते ही होंगे, नहीं भी हो तो बहुत से नाम उनमें से आपने सुने होंगे, जो हिंदी की धारा को किनारे बांधने वाले लोग रहे हैं। तब कहता हूं कि सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, कि सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, तुलसी सूर कबीरा सब ने हिंदी का आह्वान किया, वल्लभ विट्ठल और जायसी हिंदी का गुणगान किया, वल्लभ विट्ठल और जायसी हिंदी का गुणगान किया। तो मीरा और रसखान ने भी हिंदी अमृत का पान किया, नानक और रैदास मलूका की भक्ति महकाती है, और रहीम रत्नाकर भूपति हिंदी सबको भाती है, प्रेमचंद भारतेंदु बिहारी हिंदी सबकी थाती है, केशव राम आनंद गजानन का गौरव बतलाती है, तो बच्चन पंत निराला दिनकर जिसकी महिमा गाई है, शुक्ल द्विवेदी या भूषण ने भी हिंदी अपनाई है, चंद्र वरदाई के छंदों में हिंदी मुस्काई है, नागर धूमिल नागार्जुन ने हिंदी कथा सुनाई है, जयशंकर और गुप्त सुभद्रा हिंदी गाथा कहते हैं, स्नातक केदार कोहली हिंदी धारा बहते हैं, देवराज त्यागी नेपाली और व्यास भी कहते हैं, देवराज त्यागी नेपाली और व्यास भी कहते हैं। हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं जी, हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं, तो हिंदी गौरव की सुगंध जग में फैलाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के। अंतिम बात जो कहना चाहता हूं दोस्तों, आप नौजवान हैं, देश का भविष्य है, आपके अंदर असीमित ऊर्जा है, एक बात कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने कहा एम निजह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों का चिंतन बहुत विशाल था, कोई विराट था, पूरे विश्व को अपना घर मान लिया, लेकिन उसी विश्व के लोगों ने भारत के साथ में क्या किया, इतिहास गवाह है इस बात का। इसलिए अपनी धरती की रक्षा के लिए, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी भाषाओं की रक्षा के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। तब कहना चाहता हूं कि हिंदी मन की भाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा हो, हिंदी मन की भाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा हो, नई सदी नव युग में हिंदी नव चेतन की आशा हो, कोटि कोटि जन प्रेम करें अब ऐसी कुछ परिभाषा हो, हिंदी के मस्तक पे छाया अब तो दूर कुहासा हो, हिंदी अपनी भाषा अपनी संस्कृति का उद्धार करें, साधक बन ऋषियों मुनियों के सपनों को साकार करें, और पतित ना हो नवयुग में कुछ ऐसे संस्कार भरें, और पतित ना हो नवयुग में कुछ ऐसे संस्कार भरें।
अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करें, अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करें, तो भारतवासी मिल हिंदी को तिलक लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा, जय जय हिंदी का नारा, मिल सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। लेकिन क्या है आदरणीय, आजकल इंग्लिश का जमाना चल रहा है। अब हमारे प्रताप फौजदार अभी आए हैं, बहुत थके हुए हैं, कह रहे थे गजेंद्र भाई थोड़ा भारीनेस फील कर रहा हूं। मैंने कि प्राची ये भारीनेस क्या होता है, बोले हैवीपन। अब सरदार लोगों को तो आप जानते हैं इंटेलिजेंट लोग होते हैं, अगर इंटेलिजेंट नहीं होते तो बिना चुनाव जीते बिना एमपी बने पीएम बन सकते थे क्या? तो हमारे मंच के तो ये ऐसे सरदार हैं जिनको हम लाफ्टर चैलेंज से लेके कवि सम्मेलनों में सुनते रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। एक दिन समोसे को छील छील के खा रहे थे, मैंने ये क्या कर रहे हो प्राजी, बोले डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया हुआ है। इनकी कमाल हो गया, ये तो इनके घर पे गया था ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी रहे थे, ये हर आधा घंटे में उठे किचन में जाए चीनी का डिब्बा खोलें देख के बंद करके आके बैठ जाए। मैंने ये क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं डॉक्टर ने हर आधा घंटे में शुगर चेक करने के लिए बोला है। मस्ती के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, मस्ती अगर देखनी है तो हरियाणा पंजाब की मस्ती देखनी चाहिए, वो पहले तो एक ही थे। ऐसा है भाई, आजकल वो मस्ती सुना रही जेड़ में बैठी रहने दे। अब दरअसल क्या है कि यहां कोई हनीप्रीत भी नहीं दिखाई दे रही। नहीं तो बाबा तो बना देता मैं। चलिएगा, बहुत मस्ती के साथ सुन रहे हैं आप, मैं देशभक्ति के थोड़े से रंगों से आपको जोड़ना चाहता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा, समय की अपनी सीमाएं मर्यादाएं होती हैं। बाबूजी लगता चल दिए हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, आइए। दो आर्य पुत्र आ चुके हैं, आइए सर। आर्य नहीं, कोई नहीं, ऐसी मस्तियां चलती रहनी चाहिए। ये आवागमन का चक्कर है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, विज्ञान भी आने वालों को ही रोक सकता है। नहीं बुद्धिजीवी आप हैं सच में ही, मैं कॉलेज के प्रांगण में पढ़ रहा हूं। बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आप जैसे होते ही हैं, एक वो होते हैं जो फोटो स्टेट की दुकान पे जाते हैं, फोटो स्टेट कराते हैं, फिर ओरिजिनल से स्पेलिंग चेक करते हैं, कुछ गलत तो नहीं होगा। मैं जानता हूं आप दूसरे प्रकार वाले नहीं हैं। कुछ दो तीन छंद सुनाना चाहता हूं। अभी 27 सितंबर को हमने भगत सिंह का जयंती मनाई, और मैं कहना चाहता हूं, मैं पहले भी एक बार कहा था, यहां थोड़ा सा और आदरणीय आप अगर उचित समझें तो मेरा सुझाव है, बाकी तो मानना नहीं मानना तो आपका विषय, हमारे आदरणीय पुनिया साहब चले गए हैं लगता है। मैं कहा था कि ये हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, यहाँ कहीं ना कहीं दो तीन कहीं क्रांतिकारियों के भी फोटो अगर आते तो अच्छा लगता, जैसे भगत सिंह हैं या और कोई ऐसे लोग आ सकते हैं। सबका अपना अपना महत्व है, शांति और क्रांति दोनों से ही कोई सभ्यता संस्कृति संरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है। हमारे गुरु सिख परंपरा जो है शक्ति भक्ति का सिद्धांत काम करता है, वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा, शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं, और शस्त्र का संधान शक्ति का सदा रहा विधान, पृष्ठ इतिहासों वाले यही बतलाते हैं, और दानव दलन हेतु शस्त्र देवियों ने धारे, देवताओं के भी कर शस्त्र ही सुहाते हैं, आ गया समय तो शाम छोड़ अश्रु की लगाम, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं। तो दुनिया के किसी भी इतिहास में आप जाएंगे तो शक्ति और भक्ति दोनों के सिद्धांत से अहिंसा परमो धर्म कहा, हमारे गांधी जी ने भी कहा अहिंसा परमो धर्म है, महाभारत के अनुशासन पर्व का यह कथ्य है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव चे, जितना अहिंसा आवश्यक है उतनी हिंसा, क्योंकि अगर अहिंसा के द्वारा हम देश को सुरक्षित करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता, सीमाओं पर सैनिकों और अकालने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए कहना चाहता हूं, एक दो छंद कहता हूं भगत सिंह को समर्पित करते हुए, देखना चाहता हूं आप उसको कितना प्यार करते हैं, उस महान स्वतंत्रता सेनानी को, क्रांति के मसीहा को। 23 वर्ष की आयु में 114 दिन की भूख हड़ताल के बाद गलत तरीके से फांसी देकर शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अंग्रेजों ने जिस तरीके अत्याचार किया, और
क्षमा चाहता हूं, कुछ उस समय के बहुत सारे नेताओं को चिंता हो गई थी कि अगर ये नौजवान जिंदा बच गया तो उनकी राजनीति का क्या होगा, पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ चुकी थी। तो उस महान स्वतंत्रता सेनानी को आपकी जोरदार तालियों के साथ, जो हाथ खामोश रह जाएंगे मैं समझूंगा कि वो भगत सिंह को सम्मान प्यार नहीं देते हैं, दो छंद देना चाहता हूं। वाह भैया वाह वाह वाह, कि घोड़ी चढ़ने की आज तो पढ़ते लिखते हैं, पूरा रिसर्च कर चुके थे समाजवाद के ऊपर, विश्व की सारी आइडियोलॉजी जो अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी सब उनके कहीं ना कहीं नजरों में थी, फिंगर टिप्स पे थी। उसके बावजूद वो चाहते तो भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं, बम भी फोड़ा असेंबली में, बम फोड़ा तो ऐसी जगह फोड़ा जो कोई आहत नहीं हो, केवल संदेश देना चाहते थे पूरी दुनिया को कि भारत आजादी चाहता है। तब कहता हूं कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चावली ये बलिदानी था। कि घोड़ी चढ़ने की, आप समझिएगा कि 23 साल की उम्र में आप में से बहुत सारे लोग 22-23 साल की उम्र के होंगे, आपको अपने रास्ते नहीं मालूम होंगे पढ़ लिख के क्या करना है, लेकिन उन्होंने रास्ता भी चुन लिया था और स्वर्णाक्षरों में अपना नाम भी कहीं दर्ज करा दिया था इतिहास के पन्नों में। तब कहना चाहता हूं कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चावली ये बलिदानी था। और लावा बन बहता था शोणित शिराओं में, जो वीर अभिमानी पंच नद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार, फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। और मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी, शौर्य की सच्चाई को न मने, दीवार से लग के जो खड़े हैं आप भी ताली वाली बजा लो, दीवार से लगने के बाद कोई बुद्धि कम नहीं हो जाती है। और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए खुद को मुगले आजम, हमें अनारकली समझ रहे हो, जरा ताली वाली बजा के बता जी। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी, शौर्य की सच्चाई को न मने है। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी, शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। कि जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, कि इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। और जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियां वाला बाग के शिकारों को नमन है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियां वाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्य हारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है जी, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है। और एक छंद और देना चाहता हूं, श्रृंखला बहुत लंबी है लेकिन एक गीत पढ़ने से पहले एक छंद और आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यहां मैं समझता हूं नौजवानों की संख्या 35 साल से कम उम्र के जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उस हर व्यक्ति को नौजवान मानता हूं, समझता हूं, जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है या जो हिंदुस्तान के लिए कुछ करने गुजरने का कहीं जज्बा रखता है। इसलिए सबसे एक आशीर्वाद चाहते, एक छंद पढ़ता हूं कि लुटता हुआ वतन, देश में कोई कमी नहीं है, संसाधन पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। चाइना भी हमारे संसाधनों की तरफ नजर गड़ाए बैठा रहता है। हमारे एक बार यात्रा हुई थी चाइना के किसी होम मिनिस्टर के साथ में मीटिंग हुई थी, वहां पर उसने कहा कि भारत हमें अगर जो अपने माइंस में कहीं काम करने का मौका दे, हमें रॉ मेटेरियल देते, तो हम भारत के साथ में बहुत अच्छे संबंध बना सकते हैं। अभी बताऊंगा सारा कुछ खेल में। तब मैं कहना चाहता हूं, सैकड़ों वर्षों से भारत को लूटा जा रहा है,
फिर भी 130-135 करोड़ की जनसंख्या को कहीं ना कहीं दो वक्त की रोटी देने वाला भारत, और उसमें भी भ्रष्टाचार घोटाले होते रहे हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि लुटता हुआ वतन देखकर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। कि लुटता हुआ वतन देखकर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की, और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें न त्याग देश प्रेम नहीं बलिदान, जिसमें न त्याग देश प्रेम नहीं बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी, दोस्तों बताओ। और उस जवानी के सामने एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं। चाइना हमसे पंगा ले रहा है, पहले पाकिस्तान पंगा लेता था, अब चाइना भी ले रहा है साथ में। आप जानते हैं कि दोनों का पहले अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था पाकिस्तान, अब चाइना की गोद में बैठा हुआ है। पाकिस्तान हमसे पंगा लेता है, बार बार धमकी देता है, परमाणु बम ये वो। मैंने तो चार पंक्तियां लिखी थी, ज्यादा लंबी कविता खर्च नहीं करनी चाहिए, 2 करोड़ का पाकिस्तान 2 करोड़ की कविता कौन खर्च करे। वाह। तो इसलिए मैंने तो एक छंद में निपटाया था। मैंने कहा हमारे देश की आबादी 125 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, बड़े बड़े आस्था विश्वास से हम 125 करोड़ हुए हैं, हमसे पंगा नहीं ले। लेकिन एक छंद मैंने जरूर कहा था कि कभी परमाणु बम गौरी से डराता हमें अकड़ दिखाता पल में ही मुड़ जाएगा, और नाग पृथ्वी त्रिशूल अग्नि न जाना भूल हाइड्रोजन बम का भी फ्यूज जुड़ जाएगा। तो आकाओं के दम पे तो गुब्बारे सा फूलता है, पड़ेगी जो मार क्षण में सिकुड़ जाएगा, और 125 करोड़ फूंक मार देंगे एक बार, आंधियां चलेंगी सारा पाक उड़ जाएगा जी आंधी। वाह। बस ये कि 125 करोड़ जो एक साथ फूंक मारे हैं, लेकिन क्या एक दूसरे के ऊपर फटने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए वो गीत पढ़ना मेरे लिए आवश्यक है, और उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा गीत के साथ ही। कि जगह नहीं तो खो जाएगी, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, गौ गंगा गायत्री गीता वेदों का वरदान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अप। जब तक सारे नहीं बजाएंगे यही पंक्तियां दोहराता रहूंगा मैं, अब देख लो कितनी देर सुनना है। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान, साधु संत ऋषियों मुनियों के सपनों का अरमान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। पंक्तियां सुनिएगा कि सागरों के पार वाली संस्कृति मन बसी तन तो स्वदेशी मन पश्चिम का दास है, और गांव और शहरों की दूरियां हुई जो कम पन घट भी यतीम अंगना उदास है, तो भारत को भूल रहे भावी युवा कर्णधार भारती के उरसालता ये संत्रास है, और मूल्य संस्कृति वाले नग्नता की भेंट चढ़े वैलेंटाइन डे प्रसन्न दुखी मधुमास है, तो पश्चिम की आंधी में खो ना जाए निज पहचान, बचा लो अपना हिंदो, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना है। और क्या स्थिति है कि नगपति के, नगपति हिमालय को कहते हैं आप जानते होंगे, कि नगपति के विशाल हिम शिखरों के भालमान सरोवर पे भी ड्रैगन का साया है, तिब्बत किया अधीन नेपाल में लाल चीन अरुण प्रदेश देख देख अरुणाचल को देख के आप जानते हैं अरुण प्रदेश देख देख ललचाया है, तो नियत में खोट जाली नीतियां विस्तार वाली साजिशों का खूनी खेल सीमा पे रचाया है, और हिंदी चीनी भाई भाई की देते रहो दुहाई चालबाज चीन चौखट पे चढ़ आया है, तो भारत को ललकार रहा फिर से ड्रैगन शैतान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और अंतिम बंद पढ़ता हूं, चाइनीज माल की बात चलती है, आजकल प्रतिबंध की बात चलती है कि हम प्रयोग नहीं करेंगे, सही है, क्योंकि मोदी जी ले गए थे, बुलाया था राष्ट्रपति को, आपको याद होगा, अहमदाबाद ले गए थे, खाना ना खिलाया, खातिरदारी की झूला तक झुलाया, जब चलने लगे तो बड़े जोर जोर से हाथ मिला रहे, तो पीछे से किसी ने कहा मोदी जी जरा धीरे से, चाइनीज है। वैसे भी चाइनीज माल के बारे में आपने सुना होगा, कोई बता रहे जगबीर आठी बता रहे थे, कोई स्टूडेंट कहीं चाइना चला गया था, वहां 2-3 साल रहा, एक चीनी लड़की से प्रेम हो गया, शादी करके वापस आया, 6 महीने में चल बसी, तो बैठ के रो रहा था, इन्होंने समझाया बेटे रोता क्यों, चाइनीज माल चलता ही कहाँ है।
तो जो बात कहना चाहता हूं हंसी मजाक की बात है, लेकिन असली मकसद की बात अंतिम क्षण में कहना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं, अगर आप भी चाहते हैं वही होना चाहिए, कि शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए, कि शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए। और पाकिस्तानी चीनी लोगों ने बनाया गठजोड़, खूनी गठजोड़ टूटे ये प्रबंध कीजिए। तो चाइनीज गंदगी से भरे हैं बाजार सारे देश में, ये फैली दुर्गंध दूर कीजिए और समर्थन कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं कि चाइनीज गंदगी से भरे हैं बाजार सारे देश में, ये फैली दुर्गंध दूर कीजिए। ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए प्रथम चाइनीज माल का प्रयोग बंद कीजिए, चाइनीज माल का प्रयोग बंद कीजिए। तो भारतवासी भूल न जाना, भारत वालों भूल न जाना, 62 का अपमान बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचेगा तब ही हिंदुस्तान, जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, बचा लो अपना। एक बार मेरे साथ उद्घोष कीजिएगा, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।